हेलो गाइस, तो मैं ऑरेंज कलर यार, आप सबका एक और बार स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज की वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ मेरा ये के कैरेक्टर का गेम प्ले। तो जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने ये के कैरेक्टर इक्विप किया हुआ है। इसका गेम प्ले सही में बहुत ही खतरनाक आता है, तो आप ये देख लेना। क्लैश स्क्वाड में मैं करने वाला हूँ, जैसा कि आप देख रहे हो क्लैश स्क्वाड रैंक में मैं करूँगा। तो आप देखना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बहुत ही जोरदार होने वाला है गाइस। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। How heavy is that? Light work and the pace on the track on my face and the back like I'm taking a slap. सो गाइस, तो हमारी ये मैच स्टार्ट हो चुकी है और ये लोडिंग हो रहा है और ये आ चुका है हमारी मैच। तो ये बरमुडा मैप आया है और हम स्पॉन हुए हैं सेंटोसा में। तो मैंने G18 ले ली है। तो ये राउंड को मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ क्योंकि ये राउंड में मैं यूज़ नहीं करने वाला है एबिलिटी। सो गाइस, तो मुझे के कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है आलोक से भी ज़्यादा, क्योंकि ये कैरेक्टर जल्दी से रिकवर कर लेता है। मतलब ये कूल डाउन टाइम बहुत ही कम लेता है गाइस, और साथ ही में ये ईपी भी देता है और एचपी भी देता है गाइस। तो कुछ बंदे कहते हैं कि वो ईपी को कन्वर्ट करता है एचपी में, वो भी ज़्यादा स्पीड से, वो डायरेक्टली भी कन्वर्ट नहीं करता, तो इसलिए वो मानते हैं कि ये ख़राब कैरेक्टर है। मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था, पर गाइस बाद में मुझे पता चला कि ऐसा होता है। मैंने जब ये कैरेक्टर का गेम प्ले किया और देखा तब पता चला मुझे। और गाइस, ये गेम में मुझे एक मेरा दोस्त भी मिल चुका है जो मुझे अभी फीस्ट मार रहा है ना, वो जोकर हेड वाला। तो वो बहुत ही अच्छा बंदा है गाइस, और वो मैंने उसे बताया कि मैं यूट्यूबर हूँ तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या भाई यार ये तुम मतलब कुछ भी बोल रहे हो गाइस, ऐसे ही वो बोल रहा था। तो मैंने उसे विश्वास दिलाया ये गेम के बाद कि भाई मैं यूट्यूबर हूँ, मैं एक भी डायमंड टॉपअप नहीं करवाता, ऐसे ही मैं खेलता हूँ, ये सब कुछ मुझे लक रॉयल में से मिला है। वो बोलता है आप बहुत ही लकी हो भाई, अपनी चैनल का नाम बताओ, और वो अब से तो वो मेरे वीडियोस देखता है। सो गाइस, तो अभी मुझे पढ़ रही है तो मैं अभी स्टार्ट करूँगा मेरी एबिलिटी, तो आप एक बार देखना। तो इसे मारा मैंने और मेरी एचपी देखो आप एक बार, और बाद में मैंने ये एबिलिटी चालू की और मेरी एचपी देखो कैसे बढ़ रही है गाइस। और साथ ही में आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये जो ईपी वाला था वो एचपी में कन्वर्ट हो गया है, अभी ये एचपी देगा। अभी पहली बार हम जब एबिलिटी यूज़ करते हैं तो वो ईपी को कन्वर्ट करता है और ईपी भी साथ में देता है, और बाद में दूसरी बार जब हम यूज़ करते हैं तो एचपी देता है, वो डायरेक्टली एचपी देता है, और बाद में अगर हम फिर से यूज़ करते हैं तो फिर से वो ईपी देने लगता है, और ऐसे ही वो देते रहता है। और अगर उसके बाद करेंगे तो फिर से वो एचपी देगा और उसके बाद फिर से ईपी देगा, वैसे ही वो होता रहता है। तो ये मैं तो बोलता हूँ कि यही बेस्ट कैरेक्टर है, ये आलोक से भी ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आलोक जो कूल डाउन टाइम होता है, मतलब जब हम यूज़ करते हैं और बाद में जो टाइम आता है, हम कंटिन्यूसली तो यूज़ नहीं कर सकते कोई एबिलिटी को, तो इसका कूल डाउन टाइम सिर्फ 25 सेकेंड या फिर उसके आसपास ही है, और आलोक का तो कुछ 45 सेकेंड जितना है गाइस। पर क्लैश स्क्वाड में तो मैं तो ऐसा ही सजेशन दूंगा कि आलोक तो बेस्ट है, क्योंकि ये जो के कैरेक्टर है वो हमको क्लासिक में या फिर वो बरमुडा में या रैंक गेम में ही चलता है, मतलब अच्छा वाला परफॉर्म करता है, क्योंकि ये क्लैश स्क्वाड में ये डायरेक्ट हमको एचपी देता है हमारा आलोक कैरेक्टर, और ये मतलब धीरे धीरे, मतलब थोड़ा टाइम लगाता है गाइस, पर फिर भी मैं तो यही यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका कूल डाउन टाइम बहुत ही कम होता है, ये मल्टीपल टाइम भी हम यूज़ कर सकते हैं क्लैश स्क्वाड में, इसलिए मैं तो यही करता हूँ गाइस। अगर आप चाहो तो आप आलोक भी यूज़ कर सकते हो। और देखिए गाइस, इतनी अच्छी सी मैच चल रही है हमारी, तो इस सामने मुझे तो लगता है नूबा है, और मेरा जो दोस्त है भाई वो तो मुझे क्या बोले जा रहा है, बोलता है हैकर हो यार, मतलब कुछ भी, मतलब हैकर नहीं बोल रहा था, ऐसा बोल रहा है कि तुम तो बहुत प्रो हो भाई,
भाई मेरे से ज़्यादा प्रो तो कितने सारे हैं भाई, मैं तो नूबड़ा हूँ यार। मतलब कुछ भी बोल रहा था मेरा दोस्त, ये जो है ना वो कुछ ये बैरी लिखा हुआ है BARRY वाला, ये जो मेरे सामने खड़ा है वो। यार हट जा यार, बीच में आ रहा है। कोई बात नहीं गाइस, ये मैच तो शायद से जीत ही जाएंगे, क्या होता है चलो देखते हैं गाइस। सामने एक लड़की है ना, वो तो इतनी नूब है, वो क्या भाई यार क्या ही बोलूँ मैं। ये मैच शायद से हार जाएंगे गाइस हम। ओ यार सामने 3 बंदे जिंदा है और रिवाइव दे दिया, क्या भाई। अरे थम्सोन का क्या हेड पड़ा है भाई। अरे यार इधर कितने सारे बंदे, मुझे लगता है कि मैं यूज़ करूं। अरे यार ओ बच गया मैं, चलो तो यूज़ कर लेता हूँ। यार मेरा फ्रेंड भी नॉक हो गया, चलो तो ये किल ले लेते हैं जल्दी से। यार मर जा मर जा मर जा। देखो गाइस क्या बढ़ा दिया HP हमारा, कितना ज़्यादा कर दिया। पर ये पीछे से आके वो शॉटगन से मार गया गाइस, तो कोई बात नहीं हम फिर से एक बार ट्राई करेंगे तो हम जीतेंगे भाई, क्योंकि ये लगता नहीं है ये हमसे जीत पाएंगे। तो चलिए ये भी मैं स्किप कर देता हूँ, मतलब फास्ट फॉरवर्ड कर लेता हूँ, इसमें भी मैं यूज़ नहीं करने वाला। सो गाइस तो मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर लिया है और ये हमारा जोन भी खुल गया है, तो चलिए हम पीछे से रश मारते हैं। ओ यार बंदों ने भी इधर से ही आया है, तो यार मर ही नहीं रहा यार, मर जा यार, शॉटगन लेके आया है। कोई बात नहीं हम भी ले लेते हैं भाई। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो हैकर है यार, शॉटगन से जितना मन चाहे उतनी गोली चला रहा था यार, क्या भाई। तो ये आसानी से हमारी विक्ट्री हो चुकी है गाइस, तो फिर से हम ये मैच भी फास्ट फॉरवर्ड ही रखते हैं क्योंकि इसमें भी मैं नहीं करने वाला। और गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही फ्री फायर से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। और अगर आपने ये वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ जाके वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दो गाइस, मैं ऐसे ही बहुत ही ज़ोरदार वीडियोस लाता रहता हूँ गाइस। और अगर आप फ्री फायर, अमोंग अस या फिर दूसरी कोई भी गेम खेलते हो या फिर कोई गेमर हो तो प्लीज़ गाइस मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं पक्का उसका रिप्लाई दूंगा। और उसके लिए अगर आपने ऐसा कुछ कमेंट किया होगा वीडियो बनाने से रिलेटेड, तो मैं वो भी वीडियो अपलोड कर दूंगा गाइस। तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स। तुम सब अभी यही हो? फिल्म खत्म हो गई, घर जाओ यार। और ये सब पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न साफ कर लेना। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना है या नहीं? अब जाओ।